नए साल की शुरुआत में ही 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली सर्दी अब नए नए रंग ले रही है। पहाड़ों पर जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट बदलकर हैरान कर दिया। सुबह से ही आसमान बरस रहे हैं और अगले 3 दिनों तक बादल जाने वाले नहीं हैं। एक तो कड़ाके की सर्दी, ऊपर से गरजते और बरसते बादल। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की सुबह सिहरन पैदा करने के साथ तरबतर करने वाली थी। आसमान पर डेरा डाले बादल इस कदर बरस रहे थे मानो जनवरी नहीं जुलाई का मानसूनी महीना। सुबह सुबह शुरू हुई बरसात रुक रुक कर पूरे दिन जारी रही। दिल्ली हो या उसके आसपास के इलाके, हर तरफ मौसम की मार पड़ रही थी। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक बादल जमकर बरसे। सुबह के 5 बजे शुरू हुई बारिश कुछ देर के लिए थमने के बाद फिर से बरस जाती। कुछ इसी तरह वो शाम तक जारी रही और बादलों ने भी डेरा जमाए रखा। कड़ाके की ठंड के बीच हुई बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। वहीं दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही है नए साल में सर्दी दोहरी मुसीबत लेकर आई है। राजपथ से लेकर अक्षरधाम तक, चांदनी चौक से लेकर बुंडका तक, आरकेपुरम से दिल्ली कैंट तक सुबह से ही दिल्ली में रिमझिम बारिश होती रही। दूसरी तरफ रविवार की सुबह दिल्ली वाले इस अनचाही मुसीबत से बचने की कोशिश करते नजर आए। जनवरी में कड़ाके की ठंड के साथ बरसात ने परेशानी बढ़ाई तो हैरान भी किया। झमाझम बारिश से सड़कें गीली, आसमान पर घने बादल। रविवार की सुबह दिल्ली एनसीआर का कुछ ऐसा ही नजारा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर में इसी तरह रुक रुक कर बारिश होगी। इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूं। अगर आप देखें तो पूरी सड़कें जो है बारिश से गीली हो चुकी है। जो तापमान है उसमें काफी गिरावट है। कड़ाके की ठंड वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को महसूस होगी। दक्षिणी दिल्ली के तमाम इलाकों में भी बारिश ने लोगों को घरों में ही दुबकने पर मजबूर कर दिया। कालकाजी से लेकर लाजपत नगर तक और तुगलकाबाद से बदरपुर तक हर तरफ सड़कें करीब करीब सूनी नजर आई। एक तो ठंड, ऊपर से बारिश। ऐसे में रविवार की छुट्टी की वजह से वही लोग बाहर निकले जिनके लिए ऐसा करना जरूरी था या कोई मजबूरी थी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ गया है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं 25 मिलीमीटर बारिश हुई है। पालम में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि वहां 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन बढ़े हुए तापमान के बावजूद बारिश ने राहत कम दी और मुसीबत ज्यादा बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त गाजीपुर इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सड़कें तरबतर हो चुकी हैं और दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया है, लिहाजा वाहनों को अपनी हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है अगले 3 दिनों तक कुछ इसी तरह की बारिश के आसार हैं और बारिश होने की वजह से जो तापमान है वो गिरेगा, लोगों को ठंड कपाएगी। इस खराब मौसम के बीच दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे किसानों को बारिश से भी जूझना पड़ रहा है। अब जो बारिश आ रही है या ठंड पड़ रही है इसका कोई भी असर नहीं है। ये असली किसान है जिन्होंने गेहूं की फसल की बुआई की है, जाड़े के दिनों में ही ये उसकी तैयारी करते हैं। हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती, हम गुरु गोविंद सिंह की फौज है और 1 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाने वाली फौज है। सुबह उठ के 1 बजे उठ के 7 बजे तक का हमारा नियम है पाठ करने का। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो पूरा इंतजाम है, वाटर प्रूफ टेंट लगाए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अपने हौसले को बुलंद रखने के लिए इस खराब मौसम में उन्होंने
कबड्डी मैच खेलेंगे। दिल्ली में शीतलहर जारी है जिसका प्रकोप किसानों की प्रोटेस्ट रैली में भी नजर आया, लेकिन किसान है जो कि डटे हुए हों, बारिश हो या फिर तूफान, यहाँ तक कि एक कबड्डी मैच भी ऑर्गेनाइज किया गया सिंघू बॉर्डर पर असली दंगल तो सरकार और किसानों के बीच में है। इस बीच मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 4 दिन दिल्ली पर भारी पड़ेंगे। उसने पहले भी इसकी चेतावनी दी थी जो सच साबित होती दिख रही है। एनसीआर में काफी इंटेंस थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही है, साथ साथ लाइट से मॉडरेट रेनफॉल भी दिल्ली एनसीआर में हो रही है, और ये एक्टिविटी हमारे पास एक इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रही है, और जिसका प्रभाव पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, दिल्ली एनसीआर में है, तो इसके चलते पहाड़ों पे हमारे पास जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में आज से लेकर के 6 तारीख तक रेनफॉल रहेगी और स्नोफॉल होने के भी चांसेस है। मौसम विभाग की नई चेतावनी आई है कि कल दिल्ली एनसीआर में ओले गिरेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ अपने उच्च स्तर पर होगा और बिगड़े मौसम की मार अभी 6 जनवरी तक रहेगी। दिल्ली के लिए नए साल में ही मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिए। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट है, यानी खराब मौसम को लेकर सतर्क रहें। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है, उस दिन भी संभल कर रहना होगा। आने वाले 3-4 दिन तक तेज हवाएं चलेंगी, शीतलहर का सिलसिला भी चलता रहेगा। वो तो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब बहुत इंटेंस है, वो 3 जनवरी से हिट कर रहा है, और दिल्ली में जो है 3 जनवरी से 5 जनवरी बारिश होगा, लाइट रेन होगा 3 जनवरी को, 4-5 को रुक रुक के बारिश होगा, यानी 4th जो है मोस्ट आ। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि साल की शुरुआत के 3rd दिन से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश भी होगी, साथ ही आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में तेजी से बढ़ेगा, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। नए साल का स्वागत घने कोहरे और 1.1 डिग्री के टॉर्चर ने किया था। उस दिन पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। अब मौसम और खराब होने का अंदेशा है। बारिश के साथ ओला गिरने की चेतावनी डरा रही है। अरविंद ओझा और राम की कस्तिक के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। बर्फीली हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में पारा 7 डिग्री से ज्यादा गिर गया। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है, तो वहीं जनवरी में हुई बारिश गाजियाबाद के मुरादनगर में जानलेवा साबित हुई। यहां शमशान घाट की बिल्डिंग गिरने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। नए साल के शुरुआत के साथ ही प्रचंड ठंड की वजह से मैदानी इलाकों में लोग काम रहे थे। सर्दी के सितम को अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश ने और बढ़ा दिया है। मौसम की इस बेदर्दी का सबसे खौफनाक चेहरा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नजर आया। गाजियाबाद के मुरादनगर में बारिश 18 से ज्यादा लोगों की मौत बनकर आई। यहाँ शमशान घाट की छत भरभराकर गिर गई, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोग उसके नीचे दब गए। पंडित जी ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे वो होगा पूजा वूजा है, तो एकदम मैं तो वही था आगे जहाँ हमारे बाबा जी आगे वो कर रहे थे अग्नि, ठीक है, वहाँ से आया तो एकदम आवाज आई बहुत तेज बड़ बड़, तो एकदम वो छत गिरी, तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब दबे। जो इमारत गिरी वो 10 साल पुरानी और उसे नगर पालिका ने बनवाया था। दरअसल मुरादनगर में सुबह 3 बजे से 8:30 बजे तक बारिश हुई, बीच में कुछ देर बंद रही, फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से ज्यादातर लोग इस इमारत में सिर छिपाने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि कई घंटे की बारिश की वजह से जमीन धंसी और उसकी वजह से इमारत गिर गई।
हादसा इतना भयानक था कि यहाँ पर जब ये हिस्सा गिरा है अफरा तफरी मच गई। तकरीबन 40 लोग इसके नीचे दब गए जो हमें जानकारी मिली है, और एक एक करके लोगों को रेस्क्यू कराया गया। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक फल विक्रेता था, उसकी मौत हुई थी और उसी के अंतिम संस्कार में लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए आए थे। हम लोग पूरी हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी, आज ही सुनिश्चित कराएंगे कि कठोरतम कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ सुनिश्चित कर दी जाए। हादसे के फौरन बाद एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, साथ ही इस हादसे पर रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। दरअसल गाजियाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर के बीच हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बिजनौर में बारिश के बाद अचानक मौसम बदल गया, हवा चलने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बरेली में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, वहीं ओले पड़ने से ठंड और ठिठुरन दोनों बढ़ गई। हापुड़ में ठंड से लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन ने रैन बसेरे में गद्दों का इंतजाम किया है, वहीं अलाव का बंदोबस्त भी किया गया है। मेरठ में रुक रुक कर बारिश होती रही। वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर चलने वाली हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और हरियाणा तक में बारिश और ठंड का कहर देखा जा रहा है। लौटते समय ये हवा भयंकर सर्दी बढ़ाएगी। इस वजह से 6 जनवरी के बाद मौसम विभाग ने तापमान में तेज गिरावट की चेतावनी दी है। जैसे ही सिस्टम ईस्टवर्ड मूव होगा, पूर्व को चला जाएगा या लेसमार्क होगा, तो सडनली कोल्ड स्पेल शुरू होगा 7 तारीख की सुबह। पंजाब और अडजनिंग हरियाणा, इस बार जो है वेस्ट पार्ट जो है वो ज़्यादा देखा रहा है, चुरू गंगानगर लेके अमृतसर वो पार्ट में पहले होगा। तो 7-8 को हम लोग इसकी कलर कोडेड ऑरेंज वार्निंग जारी किया है, कोल्ड वेव सीवियर कोल्ड वेव। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही, जबरदस्त ओले भी पड़ रहे हैं। अमरोहा में देर रात से बारिश शुरू हो गई और सुबह होने से पहले धरती ओले से सफेद नजर आने लगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। वहीं न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ेगा, मगर उसके बाद शीतलहर का ऐसा दौर शुरू होगा जो पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लेगा। गाजियाबाद में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का केंद्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, इस वजह से इसका असर पश्चिमी भारत के हिस्से पर ज्यादा पड़ रहा है। राजस्थान के वो इलाके जो गर्मियों में अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड बनाते हैं, वहां पारा माइनस में चला गया है। गर्मियों में अपनी तपिश का रिकॉर्ड बनाने वाला राजस्थान सर्दियों में जम गया है। कहीं पारा माइनस में है तो कहीं 0 डिग्री ठंड का प्रकोप बढ़ा रहा है। माउंट आबू से लेकर फतेहपुर शेखावटी और पाली तक जमती ओस है, धुंध और ठंड का जबरदस्त टॉर्चर है। राजस्थान के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। पारा एक बार फिर 4 डिग्री लुढ़क कर शून्य पर जा पहुंचा है। रविवार की सुबह यहां का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रुक रुक कर चलने वाली सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा रखा है। बादलों के छटने से पारे में आई गिरावट ने मौसम में गलन का एहसास करवा दिया। ओस की बूंदें बर्फ बन गईं, हालात ऐसे हो गए कि सूरज की किरणें भी ठंड से जद्दोजहद करती नजर आईं। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म लबादों में लिपटे नजर आ रहे हैं।
कहीं सर्दी से राहत के लिए लोग अलाव सेंकते दिखे तो कहीं गर्मी के लिए दूध के कड़ाहे के पास लोग इकट्ठे नजर आए। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में चक्रवाती बादलों के दबाव की वजह से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, सूरज कहीं छिप गया और दिन भर हल्का कोहरा छाया रहा। वहीं आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। आसमान दिन भर बादलों से ढका रहा। 28 दिसंबर के बाद से ही यहां का तापमान माइनस में चल रहा है, जो 2 जनवरी को बढ़कर 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सबसे कम तापमान 31 दिसंबर को दर्ज किया गया, जब पारा -4 डिग्री पर चला गया था। अब 6 जनवरी को राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू के अलावा अलवर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर शामिल हैं। कोहरे की चादर में राजस्थान के कई शहर लिपटे हुए हैं। पाली में मौसम बदला और सुबह से ही पाली की सड़कें कोहरे में ढकी नजर आ रही। कोहरे के साथ ही सर्दी भी बढ़ गई और लोग अलाव तापते नजर आए। ठंड की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सुबह की सैर करते दिखे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अलग ही तस्वीर नजर आई। यहां जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, सड़कों पर ओले बिछ गए। ओले गिरने से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसी ही तस्वीरें अलवर में नजर आई। यहां आसमान से ओले के बड़े बड़े टुकड़े गिरे, जिसकी वजह से खेत में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। रविवार की सुबह 5 बजे बारिश के बाद जमकर ओलावृष्टि हुई। किसानों की सरसों, गेहूं, चना, प्याज और सब्जी वाली फसलों को भारी नुकसान हुआ। लक्ष्मणगढ़ में 1 दर्जन से अधिक गांव में ओलावृष्टि होने से 80 से 90% तक फसल खराब हो गई है। आज तक ब्यूरो। वहीं पंजाब के कुछ इलाकों में इतनी सर्दी पड़ रही है कि वहां का तापमान पहाड़ी इलाकों से भी नीचे चला गया है। कई शहरों में कोहरे की ऐसी चादर है कि सड़क पर चलना बेहद जोखिम भरा हो गया है। हरियाणा के शहरों में भी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। साल की शुरुआत से ही पंजाब और हरियाणा में ठंड के साथ कोहरे का जबरदस्त प्रहार हो रहा है। वहीं मौसम बदलने के साथ ही पंजाब के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। ठंड के साथ ही कोहरे का कहर झेल रहा पंजाब इस वक्त ऑरेंज अलर्ट पर है। शनिवार को कई जिलों में बूंदाबांदी हुई, इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब के मैदानी इलाके हिल स्टेशनों से भी ज्यादा ठंडे हैं। आज रविवार का दिन है और हम चंडीगढ़ के प्रसिद्ध सुखना झील के किनारे पर मौजूद हैं। मौसम की अगर बात करें तो देख सकते हैं झील और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी धुंध और कोहरा छाया हुआ है। सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से कमोबेश इसी तरह का जो मौसम है वो बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब के ज्यादातर इलाकों में धुंध और बूंदाबांदी का असर रहेगा। ऐसा ही मौसम अगले 3 दिन तक बना रहेगा। पंजाब के लुधियाना शहर में पिछले 4 दिनों से जबरदस्त शीतलहर जारी है। शीतलहर के साथ ही लुधियाना भयंकर कोहरे की चपेट में है। गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। आज तो बहुत ही सर्दी ज्यादा है, नया साल भी है और सर्दी का बस आज तो कमर तोड़ दी सर्दी ने, बहुत सर्दी है। पंजाब में जालंधर सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया है। बठिंडा में रात का तापमान 5.2 डिग्री तक पहुंच गया। अमृतसर में दिन और रात के पारे में करीब 12 डिग्री का अंतर रहा। पंजाब के साथ ही हरियाणा के शहर भी ठंड से कांप रहे हैं। यहां ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अंबाला में रात हो या दिन लगातार धुंध छाई हुई है। रात को रास्ता देखना मुश्किल होता है तो दिन में भी हालात आसान नहीं होते। दिक्कतें बस यही है जी, अपना धुंध बहुत पै रही है, अगर कुछ नहीं दिखता। बस जी अपना बहुत आराम आराम से चलना पवा जी, ट्रैफिक में एक्सीडेंट होने का खतरा है जी बहुत। मैं सारा नहीं कहूँगा जी, अपनी लट्टा पाल गए गड्डिया की, हर अपना इंडिकेटर चला गए और उसके बाद फिर चलो घर से अपना। धुंध की वजह से दिन में भी गाड़ियों के हेडलाइट ऑन रहती है, हाईवे पर बेहद संभल कर चलना पड़ रहा है। दिक्कत कोहरा है जी, कोहरे की वजह से आ ही रही है तो थोड़ा दिखता नहीं है। ठंड में भी काफी फर्क पड़ा है सर? हाँ जी, ठंड बहुत ज्यादा है जी आज।
मौसम विभाग की चेतावनी है कि हरियाणा के कुछ इलाकों में सोमवार को तेज बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। 7 जनवरी से हवाएं बदलेंगी तो फिर से ठंड बढ़ेगी। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं मेवात के नूह समेत दिल्ली से सटे इलाकों में आगे भी बारिश जारी रहेगी। चंडीगढ़ में मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। लेकर चलते हैं आपको कश्मीर। कश्मीर को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहते, इसकी बला की खूबसूरती से हर कोई यहां पर खिंचा हुआ चला आता है। और फिर बर्फ के बाद तो यहां का नजारा जैसे हमेशा हमेशा के लिए यादों में बसाने वाला हो जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अब श्रीनगर। देखिए किस तरह हर रोज हो रही बर्फबारी सैलानियों के वहां पर पैसे वसूल करा रही है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बरस रहा है आसमान, पहाड़ बन रहे बर्फिस्तान, बर्फीली सर्दी की जद में आधा हिंदुस्तान। कुदरत की इस नियामत को समझिए, निहारते रहिए, क्योंकि जन्नत सा ये नजारा कम ही देखने को मिलता है। देखिए कैसे रुई के भाहे की तरह आसमान से बर्फ पूरी नजाकत के साथ उतर रही है, वो भी सीधे श्रीनगर की डल लेक में। दुनिया भर में मशहूर इस लेक के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पारा नीचे गिर रहा है, इस लेक में पानी का भी काफी हिस्सा तेजी से जमता जा रहा है। किनारों पर खड़े शिकारों पर भी बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से जबरदस्त शीतलहर चल रही है। घाटी में तो जैसे सफेद चादर ही बिछ गई है। श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह से बर्फ में लिपटा हुआ है। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ, घरों पर भी बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर के ये बाजार लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सुनसान पड़े। इस सन्नाटे को तोड़ती है तो बस पक्षियों की चहचहाहट। श्रीनगर की सड़कों पर लोग भी ना के बराबर है। शहर और आसपास के ऐसे इलाके जरूर सैलानियों से भरे नजर आ रहे हैं, जहां बर्फ में खेलने की खूब गुंजाइश है। दूर दूर से आए सैलानी यहां बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चे बर्फ से पूरी मस्ती में खेल रहे हैं और युवाओं के लिए मौज मस्ती का ये परफेक्ट डेस्टिनेशन बन गया है। जाहिर है सैलानियों के लिए ये बर्फीला मौसम फुल पैसा वसूल कराने वाला है। Yeah, it's amazing feeling. I mean, we didn't expect it. बट अभी बहुत सही लग रहा है। कल ही हम लैंड हुए हैं, यहाँ से बहुत बढ़िया स्नोफॉल शुरू हुआ है। सो या अमेजिंग, यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। इतना खूबसूरत है कि हकीकत जो सुनाता वही है, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर लगा। बच्चे बोल रहे थे हमें बर्फ़ दिखा के लाओ, तो हम बर्फ़ दिखाने के लिए आए थे इनको। बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत। श्रीनगर में ये वीकेंड जबरदस्त बर्फबारी के साथ आया है। ठंड बढ़ती जा रही है और पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों का हाल बदहाल हो गया है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी इन सड़कों पर वाहन चलाना खतरनाक साबित हो रहा है। देखिए कैसे ये गाड़ी सड़क पर दौड़ते हुए फिसलने लगी और 360 डिग्री तक घूम गई। इसके बाद अगले मोड़ पर किसी तरह वो रुक गई और मौका देखते ही लोग उसमें से उतरकर भागने लगे। हालांकि सड़क पर बर्फ की वजह से फिसलन ने उनका भागते हुए भी पीछा नहीं छोड़ा। रविवार सुबह को जब कश्मीर में आम लोगों की आंख खुल गई तो हर तरफ कश्मीर बर्फ की नई सफेद चादर में लिपटा हुआ था। दरअसल ये अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल है। मौसम विभाग ने कहा था कि 3 जनवरी को सिस्टम में एक डिस्टर्बेंस कायम होगी, जिसके बाद 3 दिन तक उसका असर रहेगा और बर्फबारी 4 और 5 जनवरी को होगी। लेकिन उससे पहले ही रात में ये बर्फबारी कश्मीर में शुरू हो गई है और अभी भी लगातार हो रही है। श्रीनगर में 3 इंच
बर्फबारी जो है सड़कों पर जमा है, जबकि दूसरे इलाकों में ये एक फुट से भी ज्यादा पार कर गई है और फिलहाल लोगों को इस बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। यहां तक कि कश्मीर के कई सारे हिस्से जो हैं वो कटे हुए हैं बर्फबारी के चलते, कस्बों से, शहरों से, और फिलहाल उसमें कोई राहत की उम्मीद भी नहीं है क्योंकि ये बर्फबारी 3 दिन तक जारी रहेगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर करगिल हाईवे, श्रीनगर गुरेज रोड, श्रीनगर बांडीपोरा रोड, सभी सड़कें जो हैं इस बर्फबारी के बाद बंद पड़ी हैं। अब बर्फ हटाने का काम शुरू हो रहा है जिसमें लगातार ऊपर से हो रही बर्फबारी से दिक्कतें भी आ रही है बर्फ हटाने में। यहां तक कि तापमान की बात करें फिलहाल वो शून्य से नीचे है ही, लेकिन आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी, न सिर्फ यहां कश्मीर में बल्कि पूरे जो है उत्तरी राज्य हैं देश के, वहां पर भी इस बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा। सैलानियों के लिए यह मौसम जरूर मस्ती वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी भी कम नहीं है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उनकी आवाजाही कई चुनौतियों को लेकर आ रही है। इन मुश्किलों को कम करने के लिए जगह जगह सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जोरों पर है। श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी का असर जम्मू तक पड़ा है। बनिहाल टनल के पास हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जम्मू के ट्रैफिक को रोकना पड़ा, इससे हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। अब बारी है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की। इन दोनों राज्यों में बर्फबारी ने जीना मुहाल कर दिया है। कई जगह हुई बारिश ने शीतलहर को जानलेवा तक बना दिया है। ऊपरी इलाके बर्फ की सफेद चादर में छिप गए हैं, जबकि निचले इलाकों में प्रचंड ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी पर अच्छा खासा असर डाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले कुछ दिन इस शीतलहर को झेलना होगा। उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, तो निचले इलाके बारिश के बाद कड़कड़ाती ठंड के प्रकोप से ठिठुर रहे हैं। सफेद चादर में लिपटी चमोली की ये तस्वीरें कुदरत की खूबसूरती की अलग ही मिसाल पेश कर रही हैं। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, तो नीति घाटी में बाबा बर्फानी का बर्फीला रूप सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी लोग यहाँ पे आए और भोले बाबा के दर्शन करें और हमेशा आते रहे यहाँ पे, जिससे कि इस घाटी का विकास भी हो और लोग बाहर के लोग भी यहाँ पे आए। मतलब हम सारी दुख चिंताओं से मुक्त होके यहाँ पे, हमें इतनी खुशी मिली और ये वादियाँ साथ में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जो वादियाँ हैं यहाँ पे इतना मनोरम दृश्य, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लोग लेह लद्दाख जाते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छी जगह है, ये यहाँ भी एंजॉय करे सभी लोग, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में आस्था के एक और बड़े धाम बद्रीनाथ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भारी बर्फबारी बेशक देखने को ना मिली हो, लेकिन बारिश और बर्फ ने जबरदस्त ठंड बढ़ा दी है। धाम के आसपास का इलाका बर्फ में लिपटा साफ साफ नजर आता है। यहाँ तापमान -2 तक पहुँच चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह ताकीद की थी कि 5 जनवरी तक मौसम में बदलाव होगा। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, कोहरा होगा, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी की वजह से पानी जहां तहां जम रहा है, वहां पर लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 5 जनवरी तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। लोग घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जरूरत ना हो तो पहाड़ी क्षेत्र में लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। अब आपको लेकर चलते हैं बागेश्वर। यहाँ के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई, पहाड़ों, खेतों, पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बारिश होने से निचले इलाकों में सर्दी के सितम ने मुश्किलें बढ़ा दी है। लोगों को अलाव का सहारा है ताकि बारिश से बढ़ी ठिठुरन का मुकाबला किया जा सके। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। ठंड के मारे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घनसाली के निचले हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी, बिंसवाड़,
मेड़ मारवाड़ी और कोमाली कांठा पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। अब बारी है हिमाचल प्रदेश के हालात जानने की। राजधानी शिमला में नए साल का पहला हफ्ता सैलानियों के लिए मस्ती करने वाला रहा, तो हड्डियां कपा देने वाली शीतलहर की वजह से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला गया है और सुबह सुबह काम करने में मतलब बहुत ठंड लगती है और गर्म पानी के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। पूरा दिन हीटर के आगे बैठना पड़ता है, अगर लाइट चली जाए तो आग जला लेते हैं। कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, काम में आना जाना, ड्यूटी ऑफिस के लिए आना जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। दो चार दिनों में शायद भी बर्फ की संभावना भी लग रही है। सुबह शाम को टेम्परेचर काफी नीचे चल जाता है, जिससे मतलब अंदर घरों में बैठना या बिना हीटर या आग के मुश्किल हो जाता है। पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश इन दिनों बारिश और बर्फबारी की वजह से भयंकर ठंड का सामना कर रहा है। सोलन से लेकर लाहौल के केलांग तक राज्य के ज्यादातर इलाके बर्फबारी की चपेट में। केलांग में पारा -10 है तो काजा में -7, वहीं मनाली में पारा 1 डिग्री के आसपास है। हिमाचल के बड़े पर्यटन स्थलों में से एक मनाली में भी इस बार खूब बर्फ पड़ी है। कुल्लू जिले में लगातार हुई बर्फबारी से फैली सफेद चादर अटल टनल तक देखी जा सकती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़, बागेश्वर से जगदीप पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। आपने उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीरें देख ली। हिमाचल प्रदेश में ही नए साल का जश्न मनाने गए सैकड़ों सैलानी अटल टनल के पास बर्फ में फंस गए। कुल्लू जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर रविवार को सभी सैलानियों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की है। 1, 2, 3, 4 गिनती गिनते रहिए, लेकिन गाड़ियां दिखनी बंद नहीं होंगी। दूर जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको बस गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। भारी बर्फबारी के बीच जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। एक दो नहीं, करीब 200 गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। यहां पर जो है बहुत बर्फबारी की वजह से जो है हम फंस चुके हैं, गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही और बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वसीम भाई है हमारे, ये भाई तस्वीरें कहाँ की हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की भयावह तस्वीर को देखिए। लगातार हो रही बर्फबारी के नीचे नदी जम चुकी है, ऊपर पुल पर गाड़ियों के पहिए जम गए हैं। कई घंटों तक गाड़ियाँ जहाँ की तहाँ खड़ी रही। हिमाचल प्रदेश के मनाली की है ये तस्वीरें। पहाड़ों की राजधानी मनाली का रूप रंग सब कुछ बदल गया है। मनाली में मौसम ने जबरदस्त अंदाज में करवट बदली है। बर्फ की ऐसी आमदनी हुई कि मनाली का रंग ही निखर कर सफेद हो गया। मनाली में बीते दो दिनों से जोरदार बर्फबारी हो रही है। अटल टनल और सोलांग नाला के बीच करीब 500 पर्यटक फंस गए हैं। फिसलन से कई गाड़ियों में आपस में टक्कर हो चुकी है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ निकल ही नहीं, चल ही नहीं पा रही, फिसल फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी एक्सयूवी की हालत, आप पूरी टूट गई। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। जोरदार बर्फबारी से करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बंद है। देर रात तक सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार, हालात खराब होते देख इलाके के लोगों और प्रशासन ने पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया। अधिकतर वहाँ हम करीब करीब 300, 400, 500 गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। काफी 1500, 2000 लोग फंसे पड़े होंगे।
सब जिप्सी वाले अधिकतर पैसे मांग रहे थे, पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है, 12-15 घंटे का फंसा पड़ा है। नए साल के मौके पर जश्न मनाने आए सैलानी बड़ी मुसीबत में घिर गए। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के बाद थक हार कर सैलानी गाड़ियों से बाहर निकल आए। कुछ उत्साही पर्यटक गाड़ी से बाहर आकर ही जश्न मनाने लगे। सैलानी जमकर मस्ती करने लगे। जाम के बीच भी पर्यटक पंजाबी गानों पर नाचते गाते झूमते नजर आए और आपदा में अवसर तलाशने की कहावत को जीने लगे। दरअसल कल ही मौसम विभाग ने मनाली के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी और इसी को अनदेखा करना सैलानियों को महंगा पड़ गया। मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।